नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो बुजुर्गों के लिए लाई गई थी। बहुत बेहतरीन योजना थी, योजना का नाम था बापू की कुटिया। मेरे पीछे आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल था जिसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिसका उद्घाटन किया था। और इस योजना से, इस मॉडल से एक ऐसा योजना लॉन्च किया गया था जो बुजुर्गों के लिए बनाई गई थी बापू की कुटिया के नाम से। और ये जगह आप देख रहे हैं लगभग 50 लाख रुपए से तैयार हुई थी। योजना ये थी कि इसे बनाया गया था बुजुर्गों के लिए, अंदर कैरम और जो अखबार पढ़ने की जगह है, चेस खेलने की जगह, इंडोर गेम्स के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था थी। टीवी लगा था, एसी लगा था कि सुबह और शाम यहाँ पर बुजुर्ग है और जो स्थानीय महिलाएँ हैं जो गार्डन में आती हैं, उद्यानों में आती हैं, उनका समय यहाँ पर बीतेगा, टाइम पास होगा और कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा। लेकिन हालत आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है, धूल जमी हुई है, पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और पिछले बार इसका दरवाज़ा जो है वो कब खुला था ये समझ में नहीं आता। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, साथ में आपको शहर के अलग अलग हिस्सों में हम दिखाएंगे कि क्या हाल है इस प्रोजेक्ट का। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उद्यान में ही आए थे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाया गया था, अभी स्थिति देख के क्या आपको लगता है? स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबू की कुटिया अगर बना है सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए और शायद बच्चों के लिए भी होना चाहिए ये, है ना, तो ये बंद है जो कि ठीक नहीं है, इसको खुलना चाहिए। जैसे कि हम आए हैं यहाँ पे, गार्डन में कोई सुविधा तो है नहीं, बस हम यहाँ धूप से बचने के लिए छाँव की तलाश में आए हैं। अगर ये खुला होता बापू की कुटिया तो शायद हम अंदर जाते, कुछ बुक्स, यहाँ लाइब्रेरी भी है हम देखे यहाँ पे, तो वो लाइब्रेरी में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो शायद हम कभी नहीं पढ़े हों तो हमको पढ़ने का मौका मिलता। यहाँ कैरम भी रखा हुआ है जो हम यहाँ बैठ के धूप में पसीने से लथपथ बैठे हैं, तो अंदर में शायद पंखा में बैठते या कूलर में बैठते और कैरम खेलते तो शायद हमको कुछ अच्छा लगता है कि बापू की कुटिया का कुछ वैल्यू भी होता। अभी तो कोई वैल्यू नहीं है इसका, ऐसा लग रहा है सिर्फ बनाया गया है, इसको कहीं ना कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो इसका बंद रहना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से इसको खोलना चाहिए ताकि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसका लाभ उठा पाएँ, और खासकर सीनियर सिटीज़न के लिए, क्योंकि ये बनाया ही उनके लिए गया है। और जैसे मेरी मम्मी, नानी, दादी यहाँ आते हैं तो कुछ समय के लिए उनको आराम की ज़रूरत होती है, हो सकता है बारिश में अगर आए हैं गार्डन घूमने के लिए और यहाँ पे बारिश हो गई तो उनको बारिश से बचने के लिए भी एक छत की ज़रूरत होती है जो ये बापू की कुटिया बनी हुई है। तो अगर ये इस तरह से बंद रहा तो शायद कोई मतलब नहीं है इसके बनाने का, तो बनाना चाहिए इसको और खोलना चाहिए। पूछते हैं आप अंदर, आपने देखा क्या दिखाई दिया आपको? हमने अंदर ऐसा कुछ देखा है कि ना उसमें अंदर में टीवी लगा है, बुक्स है, वो बिना यूज़ किया जा रहा। अगर ये खुला होता तो हम इस तरह कि यहाँ रेस्ट करके उसको कुछ पढ़ लेते, उसमें कुछ ऐसा नॉलेज रह जाता कि हम बुक्स पढ़ के हमेशा कुछ उसमें यूज़फुल हो जाता। बापू की कुटिया ऐसी बंद रह के क्या फ़ायदा कि लोगों को अंदर ना बिठा के ऐसी इस तरह बंद रख के। अच्छा, ये अंदर आप सफाई व्यवस्था सब कुछ देख रहे हैं, धूल धक्कड़ सब कुछ है, क्या कहेंगे, सरकारी मेंटेनेंस सिस्टम है, रखरखाव हो रहा है? इसे खोलना चाहिए जल्द जल्द, और मतलब बड़े बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होती है आते हैं तो। क्या आपको लग रहा है, डॉक्टर रमन सिंह ने इसका लॉन्च किया था, शहर में तो कई स्थिति है कि सीमेंट का गोदाम बना दिया गया है। देखिए, इच्छा शक्ति का अभाव नगर निगम प्रशासन का और माननीय महापौर केवल फोटो खिंचाने में व्यस्त है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट एक था कि बुज़ुर्ग यहाँ पर आए, यहाँ की अभी मैं घड़ी देखा, वो घड़ी भी बंद है। जब घड़ी का सेल बदलने के लिए समय नहीं है तो बाकी व्यवस्था की तो आप क्या कह सकते हैं, धूल पड़ी हुई है। कब खुला था किसी को नहीं पता है, लेकिन आवश्यकता ज़रूर है, बुज़ुर्ग आते हैं। ये गार्डन बहुत फेमस जगह है, कलेक्टेड गार्डन नाम से लोग जानते हैं, और सड़क के बीच में यदि किसी को गर्मी में कोई राहत की आवश्यकता हो तो वो यहाँ रुक सकता है, आ सकता है। इसको खोलना चाहिए और बड़े बुज़ुर्गों को कोरोना के बाद अभी बहुत आवश्यकता इन सब चीज़ों की पड़ी है कि उनको अपने सेहत पर ध्यान रखना है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने का कहीं पर आपको मन नहीं है, केवल आपको फोटोबाजी करना है, केवल बड़ी बड़ी योजनाओं को दिखाना है और बड़े बड़े विज्ञापन छपवाना है, टीवी में नज़र आना है, तो एक अलग बात है। लेकिन धरातल पर आप कहाँ पर हो महापौर जी और महापौर की परिषद और नगर निगम रायपुर जिसके अंडर में ये आता है, उनको सोचना चाहिए केवल इस बापू की कुटिया का। समाज कल्याण विभाग को भी इसकी जिम्मेदारी मिली थी रखरखाव की,
पैसा उसके माध्यम से ही यहाँ पर आया हुआ, तो विभागों की भी लापरवाही है। देखिए विभागों की लापरवाही है, समाज कल्याण हो चाहे नगर निगम हो, ये गार्डन नगर निगम के अंतर्गत आता है और कहीं ना कहीं इसका साफ सफाई देखरेख अभी नगर निगम को करना है, बनाया होगा दूसरे विभाग ने, लेकिन ये केवल एक बापू की कुटिया नहीं है, ऐसी अनेक स्थानों पर बना हुआ और इसी प्रकार की दुर्गति है। आप एक भी कुटिया कहीं पर प्रारंभ हो ऐसा देख करके बता नहीं सकते, सभी जगह बंद है। आप क्या कहेंगे इस पर? कई जगह तो सीमेंट गोदाम में तब्दील हो गया, खुद जो कटोरा तालाब का वार्ड है वहाँ पर कई जगह समितियों का कब्जा है। देखिए ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह, ये सेवा भाव से ये कार्य किया गया था और ये सेवा भाव ऐसा था कि बुजुर्गों को इसका फायदा मिले। तो जो चल रहा है इसमें गोदाम बनाने का कार्य, ये कहीं ना कहीं पार्षद की वो है, उनके क्षेत्र में आता है, वो पार्षद का क्षेत्र है, वो जब तक नहीं बोलेंगे कैसे कंक्रीट और ये सब सामान जाएगा उसमें, उसके फर्नीचर गायब हो रहे, कमर्शियल यूज़ हो रहा है, योगा क्लासेज उपयोग कर रहे हैं, उसमें फीस ले रहे हैं आप, उसमें ताला लगा दिया है, बाहर आप योगा क्लास चला रहे हैं। अरे भाई उस बुजुर्ग के लिए बना हुआ है, उसको सेवा भाव से उसको चलने दीजिए, उसका ताला खोलने की ज़रूरत है, और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है साहब। चलिए इनसे दोबारा भी बात करेंगे, कुछ और युवा भी हैं यहाँ पर हैं, कई जगह इस पर कब्जा करके जो समितियाँ हैं वो उस पर योगा क्लास चला रही हैं, बुजुर्गों को बोलते हैं फीस दो तब आपके लिए खोला जाएगा, तो उस पर आपका क्या सोचना है? इधर नहीं, अभी यहाँ तो है पार्क है तो यहाँ खोलना चाहिए, जैसे कि मैम भी बताई कि यहाँ बुजुर्ग लोग के लिए यहाँ उपलब्ध है और यहाँ एसी लगा है, हर चीज़ का सुविधा है, तो सुविधा का लाभ उठाना चाहिए बुजुर्ग लोग को। और अभी हम लोग भी आए हैं, भानु प्रतापपुर से आए हैं, हम लोग भी इस गार्डन को घूमने के लिए आए थे तो देखा ये बंद है तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, भानु प्रतापपुर में ऐसी बापू की कुटिया है कि नहीं? क्योंकि ये योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू की गई थी, आपने देखा है वहाँ पर एक भी नहीं है? भानु प्रतापपुर में एक भी नहीं है? नहीं है सर। देखिए ये भी एक सच्चाई है कि पूरे प्रदेश में 100 ऐसी बापू की कुटिया खुलनी थी, घोषणा तो हुई है, शुरुआत नहीं हुई है, अभी 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 आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको जिम्मेदार जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, अधिकारी हो चाहे नेता हो? जी नहीं सर, नहीं कर रहे हैं, अगर करते तो इस तरह वो बंद नहीं रहता और सभी लोगों को, मतलब जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो सभी को ये लाभ होता अगर बंद ना रहता, तो इस तरह बंद करके वो लोग जो दूर से आए हैं या बुज़ुर्ग लोग जो यहाँ घूमने आते हैं उनको अगर ये बंद नहीं रहता तो वो जाके वहाँ आराम कर सकते हैं। कई जगह तो समितियों का कब्जा हो गया, कोई योगा क्लास चला रहा है, बुज़ुर्गों को ही अंदर नहीं घुसने मिल रहा, जाए शंकर नगर है, देवेंद्र नगर है, ऐसी प्राइम लोकेशन कब्जा हो गया इन जगह पर। देखिए मैं तो कहना चाहूँगा कि धूल चेहरे पे है और आईना साफ कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम में कहाँ पर गड़बड़ी है। कलेक्ट्रेट गार्डन के बाद हम पहुंचे कटोरा तालाब और यहाँ पर जो बापू की कुटिया है उसका भी हाल बेहाल है, आपको दिखाते हैं। हमने कुछ बुजुर्गों को भी बुला के रखा है ताकि इनसे इनकी इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको अंदर का हाल दिखा देते हैं। हमारे फ़ोन आने के बाद यहाँ कुछ सफाई हुई है लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाई है। अंदर आप देखिए बापू की कुटिया ने इसे गोदाम बनाकर रखा है, सीमेंट लोहे की छड़ पाइप दुनिया भर का सामान है यहाँ पर सिवाय ज़रूरत के सामान के, बहुत बुरा हाल है शायद। और हमारी जानकारी जो है जब से ये बापू की कुटिया बनी है तब से इसका हाल बेहाल है, तो सीधे सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ हैं उनके पास ही चलते हैं। ये अभी अभी इसका हाल ख़राब हुआ है कि शुरुआत से ही ऐसा है? ये शुरुआत से ही ऐसा है, जब ये बापू की कुटिया बनी तो उसके बाद हम लोगों को हैंड ओवर नहीं किया, जब हैंड ओवर नहीं किया तो पूरा सामान चोरी हो गया, अब सामान चोरी गया तो जो जो सीनियर सिटीजन लोग कहाँ से आए, न पेपर पढ़ने के लिए सुविधा, न टीवी, न क्या, तो जब से ही उसका पुराना हाल है। आपने सुना होगा कि बापू की कुटिया बन रही है, तो अच्छा लगा होगा कि आप लोगों के समय बिताने का सामान? बिल्कुल हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद बनने के बाद में कोई यानी चांसेस नहीं सामान की। आप कहाँ पर रहते हैं और इसको कभी चलते हुए देखा है आपने सामान के साथ? बापू की कुटिया जैसे ही बनी, टीवी थी, टेबल कुर्सी थी, सब गायब हो गई है, मालूम नहीं कहाँ गई है। बुजुर्गों के लिए बनाया गया था, बुजुर्ग सुबह शाम आके इंजॉय करें, आराम से व्यतीत करें, कोई इनका यूज़ नहीं हो रहा है। तो कहाँ गया सामान, कहाँ गया ये? अब आइडिया नहीं कहाँ चले गया ये तो हमारी जानकारी जो है, हमारी जानकारी में तो ये है कि जनप्रतिनिधि जो आसपास के हैं, टीवी किसी के यहाँ पड़ा है, सामान दूसरे के यहाँ पड़ा है, इसमें तो एसी का भी प्रावधान था, कूलर का, कैरम, इंडोर गेम्स भी थे।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब इसको लाया गया प्रस्ताव में, तो यहाँ पे टीवी, एसी और बैठने की कुर्सी की व्यवस्था सारी चीज़ें थी। जिस प्रकार से शासन बदला है और जिस प्रकार से नगर निगम के हर कार्य में देखा जाए तो लापरवाही बरती जा रही है। आज यहाँ पे ठेकेदार ने गोडाउन बना के रखा हुआ है, जहाँ बुजुर्गों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। महापौर जी को चाहिए कि इस हर क्षेत्र में जाकर बापू की कुटिया, और बापू वो नाम है जो पूरे देश में चलता है, महात्मा गांधी जी को हम प्रेम से बापू बोलते हैं, उनकी याद में कुटिया बनाई गई है, बुजुर्गों को उनका स्थान मिले और आरामदायक जगह मिले। तो आप देख सकते हैं, जब बापू की जगह ही इस प्रकार से है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। ये समाज कल्याण विभाग, आपको बता दें, उसकी जिम्मेदारी थी, इसका रखरखाव करता कुछ युवा भी है क्षेत्र के, इसके लिए आप लोगों ने प्रयास नहीं किया क्या? चालू हो जाए, कभी बात किया लोगों से? आप लोगों से बात किए हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है, कोई कुछ सामने आके कोई खड़ा नहीं होता है। और अब हमारे समाज के लोग आके खड़े हुए हैं सामने, तो हो सकता है कुछ हो हमारे लिए। ये समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी इसे मेंटेन करना, तो आपको लगता है कि पूरा सामान इसमें लगा था, या आज तक पूरा सामान भी आप लोगों को मिला नहीं है? नहीं, लगा था, ऐसा नहीं कि नहीं लगा था, लेकिन चोरी हो गया, ये सब जानकारी हमें। अब किसने चोरी की, कहाँ गया है, किसको, जानकारी नहीं पड़ी है। ये पिछले बार कब था संचालित, कब खुला होगा? पिछले लगभग 4 साल पहले। कभी आप लोगों ने कभी भी इस्तेमाल किया? नहीं, अभी तक एक बार भी यूज नहीं हुआ। आपका हाल जो आपके मोहल्ले का है हम देख रहे हैं, तो क्या लगता है राजधानी में जो अलग अलग बापू की कुटिया बननी थी, डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा करी थी, क्या हाल होगा आपको लगता है? भाई हाल तो वही है, सभी का बेहाल ही होगा। अब हमको यहाँ का मालूम है कि बेहाल है, बाकी जगह तो हम लोग कभी गए भी नहीं कि वहाँ का क्या हाल है, लेकिन यह तो सुनने में आ रहा कि वहाँ का भी बेहाल है। सामान सब चोरी हो गया, सब कुछ हो गया, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सामान नहीं हुआ, किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो जब तक कहाँ से मतलब होगा। कितना महत्वपूर्ण होता है ये बुजुर्गों के लिए अगर बन जाएगा? महत्वपूर्ण तो अच्छा है ना भाई, बुजुर्ग लोग जो बेचारे घर में परेशान होते हैं शाम के टाइम में या दिन के टाइम में, पेपर आके पढ़े, कैरम पढ़े, टीवी देखें, जब सामान ही नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे। पहले तो बुजुर्ग लोगों को काफ़ी खुशी थी कि भाई ये बापू कुटिया बन रही, तो हम लोगों के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी, लेकिन बापू कुटिया बनने के बाद में कोई सहूलत ही नहीं हुई ना, जैसे कहते सब पड़ा रहेगा। शहर के और भी जो बापू की कुटिया है, हमने देखा है कि जो रसूखदार समिति संचालक है उनके अंडर में आ गया, कोई योगा क्लास चला रहा है प्रोफेशनल, शंकर नगर है या देवेंद्र नगर है, वहाँ तो लोगों ने कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई नियंत्रण नहीं है प्रशासन का? प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बापू की कुटिया के बाजू में गंदगी का माहौल बना हुआ है, रात को असामाजिक तत्व, अंदर ही माहौल गंदा है, ज्यादा गंदा है, अंदर भी बहुत खराब है और बाहर भी बैठ के शराब पीने जैसी स्थिति है। तो मैं तो इसको जवाबदार मानूंगा कि इस क्षेत्र में नगर निगम का क्षेत्र आता है, सबसे पहले उनको पहल करनी चाहिए। जब साफ सफाई होगी, चीजें व्यवस्थित होंगी, तो विभागीय जांच होगी, और जिस प्रकार से ये कार्य हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो बापू की कुटिया का निर्माण होगा वो एक जो जिस उद्देश्य से बनाया गया उसका परिपूर्ण हो पाएगा। और इस तरह से बना के सिर्फ शासन और जनता का पैसा ही बर्बाद करना है और किसी प्रकार का फायदा नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बापू की कुटिया को पुनः निर्माण करके व्यवस्थापित किया जाए, कि बुजुर्ग लोग जो आके इस जगह में बैठे और महत्व बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए पुनर्निर्माण तो किया जाए, लेकिन उसके पहले ये जांच का विषय है कि शहर में जो अन्य बापू की कुटिया है, या इसी की बात कर ले, इस पे जो सामान लगा था वो गया कहाँ, और ऐसी कई बापू की कुटिया है जहाँ पर आज तक सामान लग ही नहीं पाई आया है, और सोसाइटी के जो पदाधिकारी है उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया है। कटोरा तालाब के बाद हम पहुँचे अवंती विहार, और बार बार हमारी जो पड़ताल में एक ही सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर बापू की कुटिया के लिए जो लाखों रुपए का सामान निकला था वो गया कहाँ, या इसमें जो सामान लगाना था उसके लिए जो फंड जारी भी हुआ या नहीं हुआ, और फंड अगर जारी हुआ तो फंड गया कहाँ, ये सवाल बार बार उठ रहा है। तो अवंती विहार हम पहुँचे, यहाँ पर तमाम लोग हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, ना टीवी है, ना कुर्सियाँ हैं, ना इंडोर गेम्स का सामान है, कुछ कुर्सियाँ हैं उसमें भी जो है किसी समिति का नाम लिखा है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग से ही बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या सामान लग के मिला था, और ये शुरू कब से है? सब ये बापू की कुटिया शासन द्वारा बनाई गई, लेकिन बनाने के पश्चात इसमें कोई सामान अभी तक हमको अवेलेबल नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी सामान एक भी प्रकार का। उन्होंने कहा था इसके लिए चेयर आएंगे, टेबल आएंगे, और चेयर्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। चेयर हम लोगों ने इसको चंदा करके जो है, हम लोगों ने मंदिर का चंदा करके सभी लोगों ने 100-100 रुपए इकट्ठा करके इन कुर्सियों को हम लोगों ने कलेक्ट किया अपनी सुविधा के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ शासन कुछ प्रोवाइड करे, जो शासन को जो बापू की कुटिया के लिए अलॉटमेंट दिया जाता है वो हमें मिले, तो हम उसको अलॉटमेंट तो हुआ होगा, तभी तो ये सब बना है। तो एक बड़ा सवाल ये भी कि सामान यहाँ आया था या सामान के लिए पैसा निकला और यहाँ तक पहुँचा नहीं? अलॉटमेंट के बारे में मुझे हंसी आ रही है, यदि शासन से अलॉट हुआ तो गया कहाँ,
हमारे पास तो नहीं पहुंचा अभी तक। आप लोगों ने निगम या जोन में संपर्क किया कभी? हम लोगों ने जोन में भी संपर्क किया, नया उसमें स्मार्ट सिटी रायपुर से भी किया कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश यहाँ एक भी आइटम इस बापू की कुटिया में अवेलेबल नहीं हुआ है। देखिए 40-50 लाख रुपए इसके लिए सेंशन हुआ है और फ्लोर हालांकि कैमरे से हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लोर की हालत बहुत ख़राब है, लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है, जगह जगह से टाइल्स जो है वो टूट चुकी है, बहुत ही लेवल यहाँ का कम से कम 6-8 इंच का फर्क है। ये क्या आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? इस पर सामान तो निकला था, सेंशन हुआ था, समाज कल्याण विभाग को इसका केयर टेकिंग करना था, आज तक कोई देखने आया इसे? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं आया। और हम के मैंने सुना था कि टीवी मिलने वाला है, पेपर आएगा, वो टेबल कुर्सी आएगी, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो हम पूरी व्यवस्था में राजधानी में ये हाल है। अब क्या बताया सर, ये निस्संदेह सामान अलाट हुआ है, पैसे का कहीं मिसयूज हुआ होगा, ये पक्की बात है। कहीं देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बहुत अजीब टाइप से टाइल्स लगी हुई है, रास्ता भी, तो ये क्या सरकारी काम है कि ये समिति वालों ने कराया? ये बाहर का काम तो सरकारी था, लेकिन इतना पुअर था ये काम कि समिति ने इसको फिर से उखड़वा के अपने खर्चे पे लगवाया है। यहाँ पे कोई भी काम क्वालिटी वाइज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे में, आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा टाइल्स का लेवल ऊपर नीचे पूरा टाइल्स उखड़ चुका है, और उसके बाद फिर खर्चा करके समिति ने कलेक्शन करके इस काम को करवाया है, और सामान तो अभी तक हमारे पास पहुँचा नहीं है, और आगे पता नहीं कब कैसा पहुँच रहा है। ये यहाँ इतनी परेशानी है कि बरसात में पूरा पैरों तक पूरा पानी भरा जाता है, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, रात अंधेरे में सांप बिच्छू आ जाते हैं, मंदिर परिसर बच्चे खेलते रहते हैं, उनको परेशानी होती, नहीं खेल पाते हैं पानी का, ये सब परेशानियाँ हैं। कितनी बार प्रशासन को कंप्लेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। ऐसी चल बाबू कुटिया पूरा ये मोहल्ला ही पूरा भरा जाता है पानी से। बाबू कुटिया भी अंदर पूरा पानी, आपको ये दिख रहा है तो पूरा खिड़की के लेवल तक पूरा पानी भरा रहता है, और ये पानी एक दिन में नहीं निकलता, हफ्ते तक भरा रहता है। नहीं, आपसे यह जानकारी मिली कि यहाँ के लिए सामान इशू हो चुका है? यदि इस प्रकार का कोई सामान इशू हुआ है इस बाबू कुटिया के लिए और हमारे तक नहीं पहुँचा है, इसका मतलब यह जांच का विषय है, और गहन जांच होनी चाहिए इसमें कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार नज़र आता है मुझे तो। इसलिए जो है हम इसके लिए पुरजोर आवाज़ उठाते हैं कि इसकी कम से कम शासन इसकी जाँच करे कि ये पैसा गया कहाँ। अधिकारियों एक दो लोगों से संपर्क किया गया, बोलते हैं हम इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, देंगे आपको, लेकिन अभी तक तो एक भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ये शासन हमको बताती भी नहीं है, ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही कि जिससे हम इसको मेंटेन करके इसको अच्छे से चला सकें। अच्छा, ये प्रदेश भर में ऐसे 100 बापू की कुटिया बननी थी, क्या लगता है आपको, जब राजधानी में ये हाल है तो बाहर क्या होगा, क्या कहेंगे? तो बाहर सब ये मिड सिटी के अंदर ये हालत, मैं तो नहीं समझती कि वो बने वहाँ पे ढंग से। वो खैर ढांचा भर बना के दे दिए हैं, ढाल के दे दिए हैं, टीवी नहीं है, वो बता रहे थे कि रिक्रेशन टाइप का कुछ रहेगा इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे कुछ नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है। राजधानी की बापू की कुटिया का क्या हाल है हमने आपको दिखाया है, जब आप सोचिए कि समाज कल्याण विभाग के सामने कि बापू की कुटिया का इतना बुरा हाल है, तो प्रदेश में अलग अलग जो जहाँ पर प्रोजेक्ट लाया होगा उसका हाल क्या होगा। तो अपने आप में बड़ी जांच का विषय है कि आखिर इसके लिए जो फंड जारी हुआ था उस फंड से सामान लाया भी गया या नहीं लाया गया, या उसका क्या उपयोग हुआ। आज के इस खास पेशकश पर इतना ही, नमस्कार।